आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। बिहार पुलिस के अवर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने अभी अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने बताया है कि 2023 में 41 जो है वो विदेशी नागरिक जो है बिहार की तमाम जो सीमाएं हैं वहां से गिरफ्तार किए गए हैं। आपको हम बता दें कि कल ही जो है 2 चीनी नागरिक जो है वो गिरफ्तार किए गए थे और तमाम जो विदेशी नागरिक पूरे 2023 के अभी खत्म होने में करीब करीब तो 5 महीने बाकी हैं और इन 7 महीनों में एक तरह से 41 विदेशी नागरिक गिरफ्तार किए गए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस को क्या संबोधित कर रहे हैं, सीधे गंगवार को सुनवाते हैं। इन 6 महीनों में भारत नेपाल अंतर्राज्यीय सीमा पर घुसपैठ करने वालों के विरुद्ध जो पुलिस की कार्रवाई की गई है उसके बारे में आपको मई की सूचना दी गई थी। अब तक की जो अद्यतन सूचना है उसके अनुसार कुल 41 विदेशी नागरिकों की गिरफ्तारी बिहार राज्य से की गई जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा का उल्लंघन कर बिहार राज्य में प्रवेश किए थे और इन सभी विदेशी नागरिकों को विभिन्न अपराधों में संलिप्तता के आधार पर गिरफ्तार किया गया। इन सभी गिरफ्तार किए गए अभियुक्त अभी विदेशी न्यायिक हिरासत में हैं। सभी के विरुद्ध कांड दर्ज है। जो संख्या है उसमें आपको बता दूं कि किस अपराध में इन लोगों को गिरफ्तार किया गया। कुल गिरफ्तार विदेशी नागरिक 41 हैं। भारत नेपाल सीमा से अवैध प्रवेश के 26 मामले हैं। सोना की तस्करी के 6 मामले, मद्य निषेध के अपराध में 4, NDPS एवं अन्य संबंधित अपराध में 1, अवैध मुद्रा 1, अवैध आग्नेयास्त्र 1 और चोरी गई संपत्ति को छुपाने के आरोप में 2। कुल 41 विदेशी नागरिकों को हम लोगों ने डिटेन किया, अरेस्ट किया, कांड दर्ज किया और सभी अभी न्यायिक हिरासत। अभी जैसा कि आप लोगों को बता दें 22 जुलाई 2023 को मोतिहारी जिला के रक्सौल थाना अंतर्गत भारत नेपाल सीमा पर बिना भारतीय वीजा के अनधिकृत रूप से नेपाल के रास्ते भारत में प्रवेश करने का प्रयास करते हुए 2 चीनी नागरिकों जिनके नाम क्रमशः झाओ जिंग और फू पोंग बताए गए हैं, दोनों जिज्ञासी प्रांत चीन के हैं, इनको की हमारे इमिग्रेशन ऑफिसर्स के द्वारा पुलिस को हैंडओवर किया गया, इनको गिरफ्तार किया गया और इनके विरुद्ध रक्सौल हरैया ओपी में कांड दर्ज कर इनको न्यायिक हिरासत में भेजते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो ये थे जितेंद्र सिंह गंगवार, पुलिस अवर महानिदेशक मुख्यालय, जिन्होंने जानकारी दी कि 41 लोगों को, विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है और तमाम जो बिहार से लगती हुई सीमाएं हैं, सबसे बड़ी सीमा नेपाल की लगती है बिहार से और वहां पे इतनी चौकसी बरती जा रही है कि कोई भी विदेशी नागरिक बिहार में या भारत में एक तरह से कह लीजिए कि एंट्री नहीं कर सकता है। अब देखना ये होगा कि क्या ये संख्या आगे और बढ़ती है या जो है इतने पर ही आके रुक जाती है, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।